मेले में जाना अकील अहमद को भारी पड़ गया। एक झूला उसकी मौत की वजह बन गया। और सबसे हैरानी की बात, हत्या के मामले में बीजेपी नेता का भी नाम सामने आ रहा है। ये मामला है लखीमपुर खीरी का, जहां झूला झूलने को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति को इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। इस हत्या के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक बीजेपी नेता भी शामिल है। तो मामला ऐसा है कि 19 जुलाई यानी मंगलवार को अकील अहमद अपने दोस्तों के साथ मेला देखने गया था, जहां झूला झूलने को लेकर देवर्षि उर्फ चानू शुक्ला से इन लोगों का विवाद हो गया। मामूली कहासुनी के बाद हाथापाई भी हुई और कुछ देर बाद कुछ और लोग वहां पहुंच गए और मारपीट शुरू कर दी। अकील अहमद के साथी तो मौके से भागने में कामयाब रहे, लेकिन अकील अहमद को इन लोगों ने इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की जांच की तो कुछ लोगों की पहचान हो गई। उसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक बीजेपी नेता अनूप शुक्ला भी शामिल है। तो पुलिस ने अनूप शुक्ला, देवर्षि उर्फ चानू शुक्ला, रजत रस्तोगी और ब्रजेश शुक्ला को गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस का क्या कुछ कहना है, सुनिए। बीती रात हुए झगड़े में, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई थी, उसमें नियमानुसार अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें 4 नामित अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। आगे की विवेचना अभी प्रचलित है, उसके बाद जैसे भी और गिरफ्तारियां अगर इसमें बढ़ेंगी तो आप लोगों को सूचित किया जाएगा। देखिए, बीजेपी नेता बताया जा रहा है जो पकड़े, अभी बहुत ही शुरुआती है, अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार अनूप शुक्ला बीजेपी का पूर्व जिला उपाध्यक्ष रहा। इसकी गाड़ी के पीछे बाकायदा स्टिकर भी लगा है और वो डिस्ट्रिक्ट कॉर्पोरेटिव फेडरेशन का चेयरमैन है। लेकिन नेताजी अब पुलिस की गिरफ्त में है। सरेआम मारपीट हुई और पीट पीट कर मार डाला गया, और जिस तरह से इसमें बीजेपी नेता का नाम सामने आया है, वो अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। इस खबर पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लखीमपुर खीरी से अभिषेक वर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।